नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रमन। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा। बात पते की पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं शिशु, आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं काफ़ी लंबी उम्र तक भी, बड़ी उम्र तक भी बिस्तर गीला करते रहते हैं। माँ बाप बहुत परेशान होते हैं, रबर की बेडशीट लगाई जाती है, बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती इन सब परेशानियों से। तो आज सुधा जी हमें बताएंगी इन चीज़ों से आप कैसे मुक्ति पा सकते हो। सुधा जी। जी बिल्कुल रमन जी, बहुत से लोग परेशान रहते हैं बच्चों की इस आदत की वजह से, जिसमें कि बच्चों की भी कोई गलती होती नहीं है, शरीर की एक कमज़ोरी रहती है जिसकी वजह से ये जो परेशानी है बच्चे भी फेस करते हैं, साथ में माँ बाप भी परेशान होते हैं। रातों को उठ उठ के बच्चों को बार बार उठा के नींद में सुसु कराना, बच्चे की भी नींद डिस्टर्ब होती है। तो बहुत सी ऐसी परेशानियाँ बच्चों को और माँ बाप को देखने को मिलती हैं। उपाय बहुत छोटा सा है, छुआरा जो आता है उसको दूध में उबाल कर देना, ये तो सभी लोग जानते हैं कि ये एक इस चीज़ की रेमेडी है कि आप छुआरे को दूध में पका के रात को बच्चे को दें। लेकिन जो सफ़ेद तिल आता है दोस्तों, तिल जो है, और अब तो सर्दियों का मौसम है तो ये तिल खाने का ही मौसम है, लेकिन अगर वही तिल गुड़ के लड्डू बना लीजिए, तिल और गुड़ के लड्डू बना लीजिए, तिल को भून के बच्चे को खिला लीजिए, खोए में मावा में भी कई लोग तिल, सफ़ेद तिल यूज़ करना है कि जो यूजुअल तिल होता है, वही तिल, वही सफ़ेद और काला दो तरीके का तिल रहता है। तो सफ़ेद तिल को भून कर किसी भी फॉर्म में आप बच्चे को खिलाइए, और ये सर्दी के टाइम बिल्कुल भरपूर मात्रा में उसको तिल खिलाइए, क्योंकि तिल गर्म होता है तो गर्मियों में वैसे। तो आपके हिसाब से अगर हम रोज़ तिल खिलाना शुरू करते हैं, जैसे रात के समय देना है कि दिन के समय? हाँ, रात के समय देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये जो तकलीफ रहेगी ये इससे कितने दिन में आपको लगता है कि धीमे धीमे इसमें कमी हो जाएगी? ये एक ही सीज़न में बच्चा ठीक हो जाएगा। अच्छा, मतलब जैसे अभी सर्दियाँ चल रही हैं, ये सर्दी अगर कोई माता पिता ये प्रयोग करते हैं तो फिर आने वाले समय में अगली सर्दियों से दिक्कत नहीं होगी? अगली सर्दियों के आप दो महीने में, आप समझ लीजिए दो महीने बाद बच्चा ठीक ही हो जाएगा। अच्छा। हाँ, तो तिल है, ये तो आपने अपने खुद के अपने। हाँ बिल्कुल, मेरा खुद का आजमाया हुआ है, मैंने अपनी बच्चे पे ये आजमाया हुआ है, तो बहुत फ़ायदा मुझे हुआ है और अब तक जितने लोगों को बताया है उधर से भी हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस इस चीज़ का मिला है। तो दोस्तों इसमें हम ये भी जोड़ना चाहते हैं कि इसके लिए आप किसी डॉक्टर के पास मत जाइएगा, डॉक्टर दवाइयाँ देंगे और नन्हे बच्चों को अभी से एलोपैथी की आदत डालना बहुत ही खतरनाक है। आप इन सब चीज़ों से बचिए, घरेलू नुस्खे बहुत अच्छे होते हैं, हमने आपको इतने सारे ऑलरेडी बताए हैं, बहुत लोगों का हमें फीडबैक आया है, सुधा जी को सब धन्यवाद करते हैं और मैं भी धन्यवाद करता हूँ सुधा जी को कि उनका जो ज्ञान है वो हम सबको मिल रहा है और इसका लाभ धीरे धीरे YouTube के द्वारा सभी लोगों तक पहुँच रहा है। जी, इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।